आज हम आलू बेसन की सेप बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही चटपटी है एवं करारी होती है और ये बनानी बहुत सरल है। हल्की फुल्की भूख में चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आइए हम देख लेते हैं हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। ये मैंने आधी किलो उबले हुए आलू लिए हैं और ये 250 ग्राम बेसन है, ये छान कर लिया है मैंने। और तलने के लिए ऑयल है, नमक, हल्दी, चाट मसाला, काला नमक, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर और हींग। सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आलूओं को ग्रेट कर कर ही डालें, हाथ से फोड़ कर ना डालें, नहीं तो बड़े बड़े पीस रह जाएंगे। मैंने ये सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। इसमें काला नमक भी डालेंगे, तो हिसाब से डालें नमक। थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ मैं। लाल मिर्च, एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे हम। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, एक पिंच हींग। अब इनको हम हाथ की सहायता से मिला लेंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, आलू के पानी में ही ये मिल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, नहीं तो नहीं मिलाएंगे। ये मैंने मिला लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है मैंने। ये मेरी सेब तोड़ने की मशीन है। इसमें हम ये मोटी वाली जाली लगा रहे हैं, इसमें बारीक वाली भी जाली आती है, आप जैसी सेप बनाएं वैसी जाली डाल लें इसमें। इसको हम ग्रीस कर लेते हैं, नहीं तो हमारा बेसन इस पर चिपकेगा। इस पर भी लगा लेते हैं थोड़ा ऑयल। थोड़ा सा मैं हाथ पे भी लगा रही हूँ। अब इसमें हम बेसन को डाल लेंगे। अब इसको बंद कर देंगे। मैंने गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है नहीं हुआ है। ये गर्म हो गया है। अब हम सेब को तोड़ देते हैं। बस हम हटा देते हैं इसको। अब इसे हम घुमा घुमा कर सेक लेंगे, अभी पलटेंगे नहीं इसे। अब ये नीचे से सिक गई है, इसको हम पलट देते हैं। इसे भी हम घुमा घुमा कर सेक लेंगे अब दूसरी तरफ। अब ये गोल्डन होकर सिक गए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं।
अब दूसरा बीज डाल रहे हैं आप। इसे भी घुमा घुमा कर सेकेंगे। अब ये नीचे से सिक गई है, इसे हम पलट देंगे। आप इसे भी दबा दबा कर सेक देंगे। ये भी हमारी सिक गई है, हम उतार लेते हैं इसे। ये लीजिए, हमारी नमकीन बनकर तैयार है। इसे हम एयर टाइट डिब्बे में 15 दिन रखकर खा सकते हैं। ठंडा होने पर ये और भी क्रिस्पी हो जाती है। और इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट में बताएं कि कैसी बनी।